चोरी के आरोप में पर्यवेक्षण गृह में आवासित किशोर से मिलने पहुंचे उसके पिता को सुरक्षा गार्ड ने नकली पिस्टल और एक असली कारतूस के साथ दबोच लिया। पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक के आवेदन पर नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। FIR में सिवाईपट्टी थाना के एक गांव के व्यक्ति को आरोपित किया गया है, उसे जेल भेज दिया गया। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के पुलिस ने चोरी की बाइक संग पहुंचे चार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी। इस दौरान एक बदमाश को पकड़ा गया था, जबकि किशोर समेत तीन फरार हो गए थे। सिवाईपट्टी थानेदार के बयान पर चारों पर FIR की गई थी। आरोपित किशोर को पकड़कर 4 जनवरी को पर्यवेक्षण गृह में आवासित किया गया था। 5 जनवरी को उसका पिता मिलने पहुंचा था। मुलाकाती कक्ष में सुरक्षा गार्ड ने पिता के बैग की तलाशी ली। बैग में एक नकली पिस्टल और एक असली कारतूस बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि बैग उसके बेटे का है, वह कपड़ा लेकर आया था। सूचना पर सिकंदरपुर OP की पुलिस पर्यवेक्षण गृह पहुंची। थानेदार श्री राम सिंह ने बताया कि पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक गोपाल कुमार चौधरी ने केस दर्ज कराया है। मामला है कि सिवाईपट्टी थाना कांड संख्या 197/22 के बाल कैदी है प्रियंशु कुमार, उसके पिता सुनील कुमार मिलने गए थे कल करीब 3:30 शाम में, तो उनके झोले से एक लाइटर पिस्टल और 315 बोर का एक जिंदा गोली बरामद हुआ। इस संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 9/22 धारा 25/26 आरक्षक के तहत कांड अंकित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चोरी के आरोप में पर्यवेक्षण गृह में आवासित किशोर से मिलने पहुंचे उसके पिता को सुरक्षा गार्ड ने नकली पिस्टल और एक असली कारतूस के साथ दबोच लिया। पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक के आवेदन पर नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। FIR में सिवाईपट्टी थाना के एक गांव के व्यक्ति को आरोपित किया गया है, उसे जेल भेज दिया गया। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के पुलिस ने चोरी की बाइक संग पहुंचे चार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी। इस दौरान एक बदमाश को पकड़ा गया था, जबकि किशोर समेत तीन फरार हो गए थे। सिवाईपट्टी थानेदार के बयान पर चारों पर FIR की गई थी। आरोपित किशोर को पकड़कर 4 जनवरी को पर्यवेक्षण गृह में आवासित किया गया था। 5 जनवरी को उसका पिता मिलने पहुंचा था। मुलाकाती कक्ष में सुरक्षा गार्ड ने पिता के बैग की तलाशी ली। बैग में एक नकली पिस्टल और एक असली कारतूस बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि बैग उसके बेटे का है, वह कपड़ा लेकर आया था। सूचना पर सिकंदरपुर OP की पुलिस पर्यवेक्षण गृह पहुंची। थानेदार श्री राम सिंह ने बताया कि पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक गोपाल कुमार चौधरी ने केस दर्ज कराया है। मामला है कि सिवाईपट्टी थाना कांड संख्या 197/22 के बाल कैदी है प्रियंशु कुमार, उसके पिता सुनील कुमार मिलने गए थे कल करीब 3:30 शाम में, तो उनके झोले से एक लाइटर पिस्टल और 315 बोर का एक जिंदा गोली बरामद हुआ। इस संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 9/22 धारा 25/26 आरक्षक के तहत कांड अंकित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चोरी के आरोप में पर्यवेक्षण गृह में आवासित किशोर से मिलने पहुंचे उसके पिता को सुरक्षा गार्ड ने नकली पिस्टल और एक असली कारतूस के साथ दबोच लिया। पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक के आवेदन पर नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। FIR में सिवाईपट्टी थाना के एक गांव के व्यक्ति को आरोपित किया गया है, उसे जेल भेज दिया गया। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के पुलिस ने चोरी की बाइक संग पहुंचे चार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी। इस दौरान एक बदमाश को पकड़ा गया था, जबकि किशोर